आइए, तो हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे थे, आज हम लोग डिफरेंट ईयर का थोड़ा थोड़ा सम कर लेंगे। राइट। सो हमने आपके फोन में एक इमेज भेजा है, देखिए। फॉलोइंग हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स मूनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को याद रखना है, ये मूनशाइन इंडस्ट्रीज, हेलो, मूनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का समय ये। आपको जो पीडीएफ मिला उसमें देखिए मूनशाइन बोल के हेडिंग होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये मूनशाइन वाला समय। राइट। इज इट फाइन एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? आइए, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मेटेरियल दे दिया। कैरेज इनवर्ड तो परचेस के साथ ऐड होगा। वेजेस डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट को प्रोडक्शन ओवरहेड मानेंगे। तुम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट वेजेस मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड माना जाता है। अदर डायरेक्ट चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री रेंट प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा, ऑफिस रेंट ऑफिस ओवरहेड में आएगा। इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, यह भी प्रोडक्शन ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन प्लांट का प्रोडक्शन ओवरहेड है, ऑफिस का ऑफिस ओवरहेड में आएगा। सैलरी ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड में आएगा, सेल्समैन का सेलिंग ओवरहेड में आएगा। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस आपका ऑफिस ओवरहेड में आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन का नीचे ब्रेकअप दे दिया है, टोटल में 12,000 है जिसमें 4,000 फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, 2,000 ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, 6,000 सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। अदर सेलिंग एक्सपेंसेस भी सेलिंग ओवरहेड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन भी सेलिंग ओवरहेड है, कैरेज आउटवर्ड भी सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेल्स तो रेवेन्यू हो गया, इनकम टैक्स पेड इज प्योरली फाइनेंशियल आइटम। राइट। एडवर्टीजमेंट है सेलिंग ओवरहेड। इतना तो सिंपल था। तो सबसे पहले आपको नोट बनाना है, इसमें आपको काफी सारा चीज निकाल लेना है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेना है। एक तो क्या निकाल लेना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 25,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 85,000 प्लस कैरेज इनवर्ड यहीं पे आएगा, कितना है? 5,000। कितना आ रहा है? 75,000। राइट। नोट टू, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड इनडायरेक्ट वेजेस दस हजार फैक्ट्री रेंट 5,000
इनडायरेक्ट मटेरियल, पांच सौ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1500, और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है? 5700। एमडी रेम्यूनरेशन फैक्ट्री में 4000 जाएगा, तो ये आ गया इसका टोटल, बताइए कितना आ रहा है? और तो कुछ नहीं आएगा ना? 17000, 26700 क्या? हाँ, 26700 ये आया। चलिए अब ऑफिस ओवरहेड का करेंगे। ऑफिस रेंट बोलिए, ऑफिस रेंट 500, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000, ऑफिस सैलरी कितना? 2500। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 900। ठीक है। एमडी रेम्यूनरेशन कितना? 2000 टू द ऑफिस। और कुछ है बताइए? टोटल 6000 ये टोटल आ गया। सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या आएगा? सेल्समैन का सैलरी, एमडी रेम्यूनरेशन 6000 आएगा, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1100। कैरेज आउटवर्ड 1000। एडवर्टाइजमेंट 2000। कितना आ रहा है टोटल? हाँ? 9, 10, 13100। बहुत सिंपल है। आप अपने कॉस्ट शीट बनाएंगे, क्योंकि ये सब इतना कचरा अपने कॉस्ट शीट में नहीं करेंगे। ये चार वर्किंग नोट बना के मटेरियल कंज्यूम, ओवरहेड में जो जो आएगा, ऑफिस ओवरहेड में जो जो आएगा और सेलिंग ओवरहेड में जो जो आएगा, इकट्ठा लिख लेंगे। इज इट फाइन?
राइट, आप कॉस्ट शीट बनाइए। हुआ क्या? अब कॉस्ट शीट बनाने में एकदम टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? डायरेक्ट वेजेस 1,65,000 कितना है? 1,65,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, बोलो 26,700। WIP नहीं है, यही आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, बोलो 19 प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वन नाइन 7,700। तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिनिश गुड्स नहीं है तो यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आ रहा है? 2,10,800 आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 39,200 बैलेंसिंग फिगर। सिंपल कॉस्ट शीट था, कुछ नहीं करना था। बेसिकली इसमें आपको क्लासिफाई करना था ओवरहेड्स, और आपको कुछ भी नहीं करना था इस समय। इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू सिंपली क्लासिफाई ओवरहेड्स, राइट? अभी देखिए, एक तो मिस्टर एक्स वाला एक सम आएगा, मिस्टर एक्स वाला एक सम आएगा,
मिस्टर एक्स का एक समय देखिए। हेलो रीड इट। मिस्टर एक्स फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2017। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड ऑल्सो असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो। राइट, तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस दे दिया, मशीन आवर वर्कड दिया 1800 घंटा और मशीन आवर रेट है 5 रुपया। राइट, दैट इज रुपीज 5। तो यहां पे लोग क्या किया है, एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर करके वो लोग रेट निकाल चुका है। 5 रुपए एवरेज रेट आया पर आवर और 1800 घंटा का अपने ओवरहेड आ जाएगा अकॉर्डिंगली। राइट, ये मशीन आवर रेट 5 रुपए हम लोग ओवरहेड चैप्टर में सीखे हैं। एस्टिमेटेड ओवरहेड रिलेटेड टू द मशीन डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड वर्किंग आवर, इफेक्टिव वर्किंग आवर से डिवाइड करते तो हमारा वो रेट आ जाता है। राइट, आइए पढ़िए आप लोग। राइट, आइए फटाफट करते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 30,000। डायरेक्ट वेजेस 18, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो लिखने का दरकार नहीं है, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, आइए कितना है? 1800 घंटा, और एवरेज रेट हम पहले ही निकाल चुके हैं, ₹5 पर मशीन आर, ₹5 है वो। ₹5 हम बोल रहे हैं उसको कर लो, हम तो पहले ही बता दिए ना ₹5 है। वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एवरेज कितना है? 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, राइट? 57,000 का 20%, कितना आ रहा है? 68,400। क्लोजिंग फिनिश गुड्स नाउ, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो लिखा है 34,200 का है, उसमें से 32,000 बेचा है, सो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू कैसे आएगा? एक ही लॉट है, झमेला नहीं है, तो 68,400 34,200 का है, इसमें से 32,000 बेचा है, तो 2,200 बच गया ना। 68,400 अगर 34,200 का है तो 2,200, 34,200 में से 32,000 बिक गया है, तो 2,200 बचा हुआ है, यस और नो? 34,200 माइनस 32,000, 2,200 बच गया, कितना आ रहा है? 4,000, तो यहां से 4,400 लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 64,000 प्लस सेलिंग ओवरहेड। अब जो भी खर्चा लगेगा सब सोल्ड यूनिट्स पे लगेगा, 32,000 यूनिट का 50 पैसा करेंगे तो 16,000 आएगा, सो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा? 80,000। और सेल है 32 का 4 करके कितना है? 1,28,000। तो प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा?
राइट ठीक है, इज इट फाइन? हाँ ना, च्युइंगम अलाउ नहीं है क्लास में, फेंक क्या हो? कोई ठीक नहीं है, फेंक क्या हो? आर लिमिटेड देखिए, एक तो सम होगा आर लिमिटेड, आर लिमिटेड बोल के एक सम होगा, देखिए आर लिमिटेड बोल के एक सम है, चेक करो। आर लिमिटेड शोड अ नेट लॉस ऑफ 35,400 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। However, financial accounts disclosed a net profit of
आर लिमिटेड शोड अ नेट लॉस ऑफ 35,400 एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नेट प्रॉफिट दिखाया 67,800 का, राइट? कितना का? 67,800 का. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है. फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज्ड, ठीक है. डिविडेंड रिसीव प्योरली फाइनेंशियल आइटम, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस प्योरली फाइनेंशियल आइटम, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड प्योरली फाइनेंशियल, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड प्योरली फाइनेंशियल. ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, अकाउंट्स और कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू दे दिया. कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन देखेंगे. ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है. गुडविल रिटन ऑफ प्योरली फाइनेंशियल आइटम, नोशनल रेंट, राइट? नाउ अगर हम अपना ही प्रेमाइसेस में बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यह चीज रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि देर इज नो कैश आउटफ्लो, राइट? कभी भी आप लोग देखे सोल प्रोप्राइटर में टू रेंट ऑन ओन प्रेमाइसेस दिखाते हुए? कभी नहीं दिखाया जाता है, राइट? तो ये जो नोशनल रेंट है ये प्योरली कॉस्ट आइटम है, क्योंकि कॉस्ट में हर अपॉर्चुनिटी को कंसिडर किया जाएगा. इन कॉस्ट अकाउंटिंग ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज बीइंग कंसिडर्ड, हर अपॉर्चुनिटी को कंसिडर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट? तो ये एक एक्स्ट्रा आइटम है, इसको हम लोग अलग से एस्ट्रिक मार्क दे दो. नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमाइसेस चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम है. बोला रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओ बाय टेकिंग नेट लॉस, कॉस्टिंग वाला नेट लॉस एज बेस. हम लोग वही लेंगे हमेशा, राइट? सो अपने को बनाना है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने को बनाना है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट राइट अपने को बनाना है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 35,400 का नेट लॉस दिया हुआ है, नेगेटिव. प्रॉफिट को नेगेटिव दिखा दिया मतलब लॉस है. बोलो. कॉस्ट का ना, आओ. प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना दिया हुआ है? 67,800, राइट? सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है लॉस है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट है. अब सारा प्रॉफिट ऐड होगा, सारा लॉस माइनस होगा. ये कॉमन लॉजिक हम लोग लेके चलते, राइट? इनकम्स आर एडेड, लॉसेस आर सब्ट्रैक्टेड. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड मतलब लॉस है कितना, 25,500। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड कितना है, 1,35,000। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज मतलब अंडर रिकवर्ड, सिंपल सा बात है, जितना हम चार्ज करेंगे उतना ही रिकवरी होता है, तो अंडर चार्ज मतलब अंडर रिकवरी लॉस। डिविडेंड रिसीव्ड, दो आइटम छोड़ के बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी है, सबको एक साथ ऐड करेंगे, इनकम नॉट कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, सॉरी इनकम नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कौन कौन सा इनकम कंसिडर नहीं हुआ है, डिविडेंड रिसीव 20,000 और बैंक इंटरेस्ट है 13,600। डिविडेंड 20,000 और ये 13,600, 33,600 इनकम नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट, राइट, कॉस्ट में ये वाला इनकम कंसिडर नहीं हुआ है, तो अपने अलग से ले लेंगे इसको, अपने कॉस्ट से स्टार्ट करें ना, इनकम नहीं कंसिडर किया था, ऐड कर दे रहे हैं। अच्छा, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस 16,800, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 43,600 और गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 15,000, 1,400। सो एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स में ये सारा एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं हुआ है, राइट, 100,400 लेस कर देंगे, है या ना, यस और नो, डन, इनकम नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 33,600 हो गया, एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट टोटल कर लिया, लॉस का है फिर से कर रहे 16,800, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 43,600, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, तो 1,400 है, है ना, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में है 165, अकाउंट्स में है 145, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है ना, सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, तो ओवर वैल्यूड तो मतलब कम करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशन होता है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए ऐड कर रहे हैं 20,000। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 125,500 और 1,32,000,
6500 से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, राइट? तो उसको बढ़ाना है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट कितना, 6500, ठीक है? बहुत ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोशनल रेंट 60,000। नाउ कॉस्ट में अगर आप नोशनल रेंट को कंसीडर करेंगे, मतलब आर यू चार्जिंग दिस एक्सपेंस फ्रॉम कस्टमर, यस और नो? कॉस्ट में हम कोई भी खर्चा दिखाते हैं, इसका मतलब वो हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, यस और नो? सो व्हेन आई एम चार्जिंग सच एक्सपेंस फ्रॉम द कस्टमर, सो ऑटोमेटिकली दैट इज गेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो खर्चा है नहीं क्योंकि देयर इज नो कैश आउटफ्लो। इसका मतलब कॉस्ट में ये खर्चा ओवर रिकवर्ड है कि अंडर रिकवर्ड है? ओवर रिकवर्ड है, तो ओवर रिकवर्ड क्या होता है? इनकम होता है, यस और नो? अपने नोशनल रेंट को कॉस्ट में दिखा रहे हैं, नोशनल रेंट को कॉस्ट में दिखा रहे हैं, मतलब आई एम चार्जिंग दिस, भाड़ा बोल के हम कस्टमर से ले रहे हैं, तो व्हेन आई एम टेकिंग भाड़ा फ्रॉम कस्टमर इट मींस दैट इज रिकवर्ड, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो है नहीं बिकॉज देयर इज नो कैश आउटफ्लो। सो व्हेन समथिंग इज रिकवर्ड बट देयर इज नो एक्सपेंस, इन दैट केस क्या होगा? ओवर रिकवर्ड हो गया वो, तो नोशनल रेंट रिकवर्ड ओनली इन कॉस्ट कितना है? 60,000। चेक करो, देखो आंसर आ जाएगा, चेक करो देखो मैच कर जाएगा।